जे जगन्नाथ फ्रेंड्स, यही वर्ष अर्थात 2024 वर्ष रे पवित्र महाशिवरात्रि उदय तिथि अनुसार 8 मार्च शुक्रवार दिन पालन करा जीव। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे जानिबा पवित्र महाशिवरात्रि दिन क्यों गुप्त जिनस किणिक घर को आनिबा उचित, जहाद्वारा घरे केबे भी अन्न धन सुखर कम रहिबो नाही। एहा स जानिबा एही दिन रे कोन करिबा उचित और कौन करिबा अनुचित अटे एवं क्यों समूह पूजा कले पूजार संपूर्ण फल प्राप्त होइथाए। एही गोटिए भिडियो आपण को भाग्य चेंज करिकि रखिदेब, आउ अन्य कोनोसी भिडियो देखिबा को पड़िबो नाही। तो सेतिपई फ्रेंड्स, एही भिडियो को शेष पर्यंत थरुटिए निश्चय देखंतु एवं भक्तिर स कमेंट रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। फ्रेंड्स, भगवान शिवंकर पूजा आराधना एही सब करिबार अलग अलग समय होइथाए, जेमिति श्रावण मास यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे, प्रदोष व्रत यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे, सोमवार व्रत यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे, मासिक शिवरात्रि यह भी भगवान शिव को समर्पित अटे। किंतु महाशिवरात्रि जहाँ फाल्गुन मासर चतुर्दशी दिन को आसी थाए, यह आम महाशिवरात्रि नाम जानी था। एवं यही दिन में भगवान शंकर स्वयं साक्षात जागृत अवस्था रही था। फ्रेंड्स, जदि पंचांग को मानिबे तो प्रत्येक मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत होइथाए एवं यह भी पूजापाठ करिबारे सबुठारु भल समय माना जाए। किंतु फाल्गुन मासर जो चतुर्दशी तिथि होइथाए यह खास करी आम हिंदू धर्म रे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाए भगवान शिवंकर आराधना पूजा पाठ करने। तो एमती कहीं माना जाए यह पछर कथा भी कहबी एवं महाशिवरात्रि दिन एमती क्यों गुप्त जिनस अच्छे जहाँ घर को किणिकी आने द्वारा आमर दरिद्र जीवन निर्धन दुख कष्ट समस्या सब दूर हेब। तो यही भिडियो मुझक कहबी से भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु। तो पौराणिक कथा अनुसार फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि भगवान शिव सर्वप्रथमे शिवलिंग रूप से प्रकट होते। हाँ फ्रेंड्स, भगवान शंकर शिवलिंग रूप से प्रकट होते। यही कारण तिथि को भगवान शिवंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट उत्सव प्रत्येक वर्ष आम मनाई था। शिवपुराण अनुसार भगवान शिवंकर निराकार स्वरूप प्रतीक, जो लिंग अटे यह भगवान शिवंकर निराकार स्वरूप प्रतीक माना जाए। एवं शिवरात्रि जो पावन पर्व दिन होइथाए एही महानिशा समय भगवान शिव प्रकट होइथिले। तो भगवान शिव जब प्रकट होइथिले तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु को द्वारा पूजित होइथिले। तो आसंतु आउ एक कथा आपन को कहूँ। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव और देवी माता पार्वती मिलन होइथिला। फगुण मासर जो चतुर्दशी तिथि अटे एही दिन रे भगवान शिव बैरागी छाड़ी देवी पार्वती बहुत करते और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते। तो एथिपाई प्रत्येक वर्ष फगुण मासर चतुर्दशी तिथि अटे जहाँ को आम महाशिवरात्रि पर्व को खुशी रूप से पालन करिथाउ। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि व्रत पूजा जल अभिषेक इत्यादि करने द्वारा वैवाहिक जीवन में जो समस्या थाए ता सबुदिन दूर होइथाए, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आसी थाए और महाशिवरात्रि दिन बारटी ज्योतिर्लिंग प्रकट होइथिले। तो यही खुशी रे भी आम सब महाशिवरात्रि पर्व को पालन करिथाउ। आम धर्मशास्त्र रे एमिति कह जाए जे महाशिवरात्रि व्रत करुथुबा साधक मानंकु मोक्ष प्राप्ति होइथाए। जगत रे रहुथुबा समस्त मनुष्य जदि महाशिवरात्रि दिन व्रत रखिथान्ति स्वयं कल्याणकारी होइ जाइथाए, आसुथुबा दुख कष्ट पीड़ा को दूर करिथाए। फ्रेंड्स, एही व्रत को रखिबा द्वारा सब दुख पीड़ा सब अंत होइथाए, एहा सो सब प्रकार मनोकामना पूरण होइथाए। भगवान शिव को आराधना करिबा द्वारा धन अन सुख सौभाग्य और समृद्धि कौनसी भी जिनसर कम हो न थाए। भगवान शिवंक भक्त जेते भी भगवान शिवंकर भक्त अटंती जदि महाशिवरात्रि दिन स्वच्छ मनरे पूजा पाठ करिथान्ति तो जगतर एमिति केउ वस्तु नाही जहाँ भगवान शिव देबे नाही। भगवान शिव अल्प पूजा पाठ रे प्रसन्न होइ जाइथान्ति। तो भगवान शिवंक क्यों समय पूजा करिबा द्वारा बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथान्ति? तो फ्रेंड्स, आम हिंदू शास्त्र रे प्रदोष काल को सबुठारु उत्तम समय कहा जाए। प्रदोष काल क्या कहा जाए टिके जानी नियंतु। हिंदू धर्म रे प्रदोष काल सूर्य अस्त पर रात्रि हेबार मध्यर अवधि को अर्थात
रात्रि हेबार 2 ঘণ্টা 24 মিনিট रे जो अवधि होइथाए तो एहाकु प्रदोष काल कुहा जाए। फ्रेंड्स एही समय रे भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा रे नृत्य करिथांती। एही समय रे भगवान शिव माता पार्वती को प्रदोष काल रे विवाह करिथिले। फ्रेंड्स एथिपई प्रदोष काल रे भगवान शिवंकर पूजा करिथांती, आराधना करिथांती, जो मंत्र जप करिथांती, जो भी उपाय एही समय रे करिथांती तो सेई फल तत्काल मिलिथाए। मु छोट छोट जानिबा कथा एथिपई कहुची जहाद्वारा आपणकर बहुत ही भल हेबो। फ्रेंड्स जदि होई पारे प्रदोष काल समय रे भगवान शिवंकर जो 12 ज्योतिर्लिंगर नाम कुहा जायछि जदि एहाकु जप करंती तो आपणकर कल्याण होइथाए। एहाकु आम धर्मशास्त्र रे कुहा जायछि भगवान शंकरंकर 12 ज्योतिर्लिंगर नाम नेबा द्वारा सेई व्यक्तिर पाप धोई जाई थाए। पाप धोईबा सह रोग दोष समस्या चिंता सब अंत होइथाए। तो एथिपई पवित्र महाशिवरात्रि दिन 12 ज्योतिर्लिंगर नाम निश्चय नियंतु। तो चलंतु ए भिडियो मुझे आपंक किसी कहवाक चाहिए शिवलिंग कौन चढ़ावा उचित नुहे जहाद्वारा आम जीवन में दुर्भाग्य आसी थाए। तो यह पूर्व जदि आपंक भिडियोटी पसंद आसे तेब गोटे लाइक निश्चय करूँ, चैनल को सब्सक्राइब मध्य करनियंतु एवं ए वीडियो को अधिक रु अधिक शेयर मध्य करबा को चेष्टा करंतु। देखंतु भगवान शिव को खुशी करबा पई आमे सब महाशिवरात्रि दिन श्रावण मास रे बा सोमवार व्रत रखिथांती। तो भगवान शिव को किछि ना किछि निश्चय चढ़ाई थाउ, किंतु एमिति किछि जिनिस अछि जहा कु शिवलिंग रे चढ़ाइबा को वर्जित माना जाए, जेपर कि शिवलिंग उपरे भूल रे भी तुलसी पत्र केबी भी चढ़ाइबा उचित नुहे। यह पछर कारण भी कही देउछि, कारण तुलसी माता और भगवान शिव एही दुई जणंकर घर शत्रुता अटे। काहेकि ना तुलसी पति संगचुन को भगवान शंकर बध करिथिले, तो एथिपई तुलसी माता सबुबले रुष्ट होइथांती। तो एथिपई तुलसी भगवान शिवंक पूजा रे चढ़ा जाय नथाए। शिवलिंग उपरे पैकेट वाला दूध जमा भी चढ़ातु ना, बहुत लोक कौन करिथांती ना सहर रे पॉकेट वाला दूध आणिकि भगवान शिव को चढ़ाई देथांती। एमिति करबा उचित नुहे, एहा द्वारा पापर भागीदार होई पारंती, सेथिपई सावधान रुहंतु। जदि दूध को आपण चढ़ाइबा को चाहूछंती तो गोमातार ताजा दूध को चढ़ातु। एहा परे फ्रेंड्स भगवान शिव को पूजा रे टराट फूल केबे भी भूल रे चढ़ातु नाही, काहेकिना भगवान शिव टराट फूल को अभिशाप देइछंती। तो एथिपई टराट फूल भगवान शिव को पूजा रे केबे भी प्रयोग करिबा उचित होइ नथाए। एवं ध्यान रखिबे शिवलिंग उपरे केबे भी भंगा चावल कटा बा फटा बेलपत्र जमा भी चढ़ातु नाही। जेबे भगवान शिव प्रभु श्री गणेशंकर मुंड को खंड कर देथिले, भगवान शिव जेबे श्री गणेशंकर बध करिथिले तो सेही समय रे भगवान शिव बहुत ही दुखी होइथिले, कारण भगवान शिव निज हाथ रे निज पुत्र को बध करिथिले। तो एथिपई भगवान शिव एही संकल्प नहीं कि मो पूजा पाठ रे कौनसी भी कटा फटा बा खंडित जिनस प्रयोग रे आसीबो नाही। सेबेठारु भगवान शिवंक पूजा रे खंडित जिनस चढ़ा जाय नथाए। जदि एही परी कटा फटा बेलपत्र और खंडित चाउल चढ़ाउछंती तो एही पूजार फल आपनकु मिलि नथाए, बरं एहा द्वारा आपण पापर भागीदार हे जाइथांती। अर्थात भगवान शिव जेबे गणेश भगवानंकर बध करिथिले तो जेउ दोष भगवान शिवंक लागिथिला तो सही दोष आपणक उपरे पड़िबाकु लागिथाए। एही गुप्त कथा आपणक कहुछि एवं शिवलिंग उपरे सबुबले थंडा जिनस चढ़ाइबा उचित अटे। ध्यान रखिबे गरम पानी चढ़ाइबे नाही, थंडा जल चढ़ाइबे, थंडा दूध भगवान शिवंक अर्पण करिबा उचित। बहुत लोक बेलपत्र चढ़ाइथांती, किंतु बेलपत्र जो डेम्फ होइथाए तो ताहाकु छिड़ाइबा को भूली जाइथांती, जहाकु आमे वज्र मध्य कहिथाउ, तो ताहाकु छिड़े देबा उचित एवं सबुबले बेलपत्र को ओलटा करी चढ़ाइबा उचित अटे। तो एबे आसंतु ए वीडियो रे जानिबा केमिति करिबे अभिषेक, यह भी जानिबा जरूरी अटे, कारण आपण जदि भगवान शिवंक पूजा पाठ रे किछि भूल करि दिथांती तो भगवान क्रोधित होइ जाइथांती। भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथांती कम पूजा पाठ रे एवं बहुत शीघ्र क्रोध भी होइ जाइथांती, बहुत शीघ्र प्रसन्न हेबा सह बहुत शीघ्र क्रोध भी होइथांती। तो शास्त्र अनुसार शिवलिंग उपरे सबुबले सर्वप्रथमे पंचामृत अर्पण करिबा उचित अटे, जेपरि कि दूध गंगा जल केशर महु एवं जल यार मिश्रण को पंचामृत कहा जाए।
ଏପରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଯେପରିକି ଦହି, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚାରି ପହର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରଥମ ପହରରେ ଜଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପହରରେ ଦହି, ତୃତୀୟ ପହରରେ ଘିଅ, ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ମହୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି ତ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁବ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବ ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ଦୁବ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁବ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, କାରଣ ଦୁବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥାଏ। ଶମୀପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ? ତ ଶମୀପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପରେ ଶମୀପତ୍ର ଯଦି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁଦୁରା ଚଢ଼ାଇବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ? ଏମିତି ମାନାଯାଏ ଦୁଦୁରା ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ବିଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ତ ତାହା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଅରଖପତ୍ର, ଅରଖପତ୍ର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେହିପରି ଅରଖପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ଅଛି ବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ ଅରଖପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ 12 ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ବି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ଚଢ଼ାଇବେ? ଯେମିତି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ତ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପତ୍ର ପାରିବେ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା 100% ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତ ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଥର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି କଥା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଭେଜାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିବେ? ତ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ଫାଇଦା ବି କହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଟେ ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଘରକୁ ସ୍ଫଟିକ ତ୍ରିକୋଣ ନେଇ ଆସିଥାଉ, ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ବି ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ସ୍ଫଟିକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ତୋତକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରାଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କୌଣସି ବି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଏହାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ତ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନଧନ ଶ୍ରୀ ତତର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ବେଲପତ୍ର। ଚାନ୍ଦିର ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ମତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାଏ, କାହିଁକି ଏହା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ତ ବେଲପତ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥାଏ ତ ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତଥା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଏହି ଦୁଇଟି କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଓ ଶିବ ବସିଥାନ୍ତି ତ ସେହି ସ୍ଥାନ
तीर्थस्थान परि हेइ जाय थाए। एहा द्वारा भौतिक सुख प्राप्ति होइ थाए। जदि आपण चाहिबे चांदीर बेलपत्र किणि आणन्तु एवं एहाकु शिवरात्रि दिन शिवलिंगरे टच करि दियन्तु। एहा जागृत होइ जिव। जागृत जिनस सबुबेले हि फल देइ थाए। एहा परे हेउचि नागनागुणी जडी। देखन्तु जदि आपणक जीवनरे कोनसी दोष लागिछि जेपरि कि कालसर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष, पितृ दोष बा कोनसी प्रकारर दोष हेउ एवं आपणक जणा नाही कोनसी प्रकारर आपणक परिवाररे बहु पूर्वरु दोष लागिथाए जा फळरे आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेइ पारु नाही, तो नाग नागुणी जोडी महाशिवरात्रिरे पावन पर्वरे आपण किणिकि नै आसन्तु। एहाको शिवलिंगरे आपणको राति 12टा समयरे टच करिबाकु पडिबो। एहा जागृत अवस्थाकु आसीजिबे एवं महाशिवरात्रि दिन कोनसी समयरे टच करिपारिबे, किन्तु रात्रि समयरे करिबा उचित, काहेकि ना शिवरात्रिको शिवरात्रि काहेकि कुहाजाए। एपरिकि शिवदिन बि कहिपारिथान्ते। शिवरात्रिर माने हेउचि रात्रि समयरे एहार महत्व बढ़िथाए। तो नाग नागुणीर जोडाको टच करि दियंतु शिवलिंगरे एवं एहाकु आपणक घरे स्थापित करिकि रखन्तु। एहा आपणक सबु प्रकारर दोषरु बंचाइबो। जदि वास्तु दोष थाए, घरर कलह थाए, एही सबरु बंचाइ थाए। आपण जदि चाहिबे त्रिशूल घरकु किणिकि आनि पारिबे। शिवलिंगरे टच करिकि जदि त्रिशूलकु घरे रखिथान्ति तो एहा शत्रुकु नाश करिथाए, आपणकु शत्रुठारु सुरक्षा प्रदान करिथाए। जदि डम्बुरु आनिथान्ति एवं एहाकु आपणक घरे स्थापित करिथान्ति तो एहा द्वारा भगवान शिवंक कृपा प्राप्ति होइथाए। जदि आपण चाहिबे तो नन्दी महाराजंकर मूर्ति आनिपारिबे। जदि एही मूर्तिकु घरकु आनिथान्ति तो भगवान भोलानाथ बहुत ही प्रसन्न होइथान्ति। नन्दी कौनसी साधारण नुहे, भगवान शिवंकर स्वयं आत्मस्वरूप कुहाजाए। आपण जदि चाहिबे तो नुआ शिवलिंग बि आनिपारिबे, किन्तु गोटिए आंगुठि बराबर शिवलिंग आनिबाकु पडिबो। घरे जेउ शिवलिंग स्थापित कराए तो आंगुठि बराबर शिवलिंग हेबा उचित अटे। बड़ शिवलिंग पई बहुत बड़ जागा आवश्यक होइथाए, बहुत बड़ मंदिर बनाइबा पई आवश्यक होइथाए। जदि आपण गृहक साधक अटंती तो आंगुठी समान शिवलिंग आनीपारे। आपण यह आपण घरे स्थापित करंतु, यहाँ पूजा करंतु, सब प्रकार रोग दोष कलह सब प्रकार व्याधि बचाई थाए। तो फ्रेंड्स, ये विशेष भिडियोटी आपण मानक किपरी लगला आमको कमेंट बक्स में निश्चय जनातु एवं विश्वास यही कार्य को निश्चय करंतु। जो सब जिनस आपण को कहली ताक निश्चय किणतु, से जेकोसी जिनस किए जो सब कथ आपको कहली ताक निश्चय पालन करंतु। देखिए आपणक जीवन बहुत किसी चेंज ही आपण जीवन सब दुख कष्ट निश्चय दूर हेब। भगवान शिवंकर अशेष कृपा दृष्टि आपण सदा सर्वदा लाग रहा। तेज फ्रेंड्स, ये भिडियो को गोटे लाइक करूँ और भक्तिर सह कमेंट बक्स में ओम नम शिवाय निश्चय लिखत। भिडियो को आपण सांग परिजन बहुमात्रा सेयार करूँ, जमा भी आपंपर सीमित रखत ना। तेज फ्रेंड्स, भिडियो देखिए धन्यवाद।